जब भी ट्रेन टिकट बुक करना हो तो काफी सारे लोगों के माइंड में ये बैठ गया है IRCTC मोबाइल का जो रेल कनेक्ट एप्लीकेशन है वहां से हम बुक कर सकते हैं, लेकिन आजकल वहां पर तत्काल टिकट बुक करना ना के बराबर हो गया है, क्योंकि जब भी आप 11 बजे वहां पर लॉगिन करेंगे तो उसका जो एप्लीकेशन है काफ़ी स्लो होता है, आप उसे बुक नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर आपको कम फीचर्स मिलते हैं। लेकिन IRCTC के द्वारा ही एक नया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कन्फर्म टिकट। आप इस एप्लीकेशन के जरिए 2 मिनट में ही बहुत ही जल्दी टिकट बुक कर सकते हो, साथ ही आपको ढेर सारा फीचर्स आपको मिलते हैं। जब भी आपको ट्रेन टिकट को कैंसिल करना है तो IRCTC में आपको वहाँ पर चार्ज देना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्ज, उसके बाद आपके अकाउंट में भी उतना पैसा नहीं आता जितना आपका कटा हुआ है। लेकिन कन्फर्म टिकट एप्लीकेशन के जरिए आप फ्री कैंसिलेशन और फुल रिफंड आप ले सकते हो अपने ही वॉलेट से, यानी कि आपके अकाउंट से। सो इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कैसे आप कन्फर्म टिकट को यूज करेंगे, कैसे आप ट्रेन टिकट बुक करेंगे बहुत ही फास्ट। और IRCTC के द्वारा ही ये मोबाइल लॉन्च किया गया है जिसका मैं कंप्लीट रिव्यू दिखाने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में कन्फर्म टिकट सर्च करना है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। कन्फर्म टिकट एप्लीकेशन IRCTC के द्वारा ही ऑथराइज्ड किया गया है, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। एक बार आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा तो यहां पर आप ओपन पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म टिकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। पहली बार जैसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले अपना लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपको 5 टैब, होम, वॉलेट, ट्रिप्स, प्रोफाइल, सपोर्ट। तो यहाँ पर हम प्रोफाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे लॉगिन का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर में OTP आएगा, OTP को डाल के नीचे आप वेरीफाई करेंगे, जैसे कि हमारा वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे IRCTC अकाउंट लिखा है, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपका IRCTC में अकाउंट नहीं है तो यहाँ से भी आप क्रिएट IRCTC अकाउंट पर क्लिक करके अलाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना डिटेल्स आप यहां पर फिल करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद कंटिन्यू। आपका IRCTC का अकाउंट जैसे ही क्रिएट हो जाएगा तो यहां पर ऐड IRCTC यूजर आईडी पर क्लिक करेंगे, अपना IRCTC का यूजर आईडी आप यहां पर डालेंगे, इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपका IRCTC का यूजर आईडी यहां पर ऐड हो चुका है। लेकिन अगर आपके पास IRCTC का अकाउंट पहले से है लेकिन यूजर आईडी या फिर पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा फॉरगेट IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड, यहां से आप उसे फॉरगेट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहां पर बैक आएंगे। इसके बाद जब भी आपको ट्रेन टिकट बुक करना है तो याद रखिए सेप्ट पैसेंजर पर क्लिक करेंगे, ऐड पैसेंजर पर क्लिक करके यहाँ पर फुल नेम डालेंगे, पैसेंजर का एज डालेंगे, ऐड करेंगे। अगर आप यहाँ पर पहले से ही पैसेंजर का डिटेल्स को ऐड कर लेंगे तो जब भी ट्रेन टिकट बुक करने की बारी आएगी तो कम से कम समय में आप ट्रेन टिकट आसानी के साथ बुक कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर डिटेल्स को फिल करके ऐड पर क्लिक कर लेते हैं। एक पैसेंजर ऐड हो चुका है, अगर आपको फिर से ऐड करना है तो ऐड पैसेंजर पर क्लिक करके और भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर होम पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर एक ट्रेन टिकट बुक करेंगे, जैसे कि हम यहां पर एंटर फ्रॉम में कहां से जाना चाहते हैं यहां पर क्लिक करके एंटर करेंगे, नीचे आ जाएगा ऑप्शन, यहां पर सेलेक्ट करेंगे, एंटर टू में क्लिक करेंगे और आपको कहां तक जाना है यहां पर आप ऐसे लिखेंगे, इसके बाद यहां पर सेलेक्ट करेंगे, आपको कौन सा डेट में जाना है यहां से डेट पर क्लिक करके आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद सर्च ट्रेन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएगा ट्रेन के डिटेल्स। आप यहां पर एक एक करके ऐसे देख सकते हैं, कोई एक ट्रेन पर क्लिक करेंगे तो उसका सारा डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, थर्ड AC, सेकेंड AC, फर्स्ट क्लास AC आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको तत्काल टिकट बुक करना है तो यहाँ पर तत्काल पर क्लिक करके, जैसे कि मैंने डेट अलग डाला हुआ है, जैसे कि तत्काल का 48 आवर पहले ही, एक दिन पहले ही किया जाता है, 11 AM से आपको स्टार्ट होता है, लेकिन मैं बात कर ट्रेन टिकट का जो डेट है दे दिया हूँ इसीलिए तत्काल नहीं हो सकता। अगर आपको लेडीज़ कोटा के लिए करना है तो लेडीज़ पर क्लिक करेंगे, अगर आपको जनरल करना है तो जनरल पर क्लिक करेंगे। तो जो भी क्लास आपको करना है तो यहाँ से आप क्लास को भी चूज़ कर सकते हैं, आपको फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, सेकेंड सीटिंग, स्लीपर, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 2S कर लेता हूँ, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेन आपको शो करेगा। तो हमारे पास एक ट्रेन शो हो रहा है, इस पर
हम क्लिक करेंगे, जनरल है, लेडीज है, तत्काल है, यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अवेलेबिलिटी आप यहाँ पर देखेंगे कौन से डेट में कितना अवेलेबल है और कितना चार्ज कर रहा है। बुक पर क्लिक करेंगे बुक करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर पैसेंजर का डिटेल्स आपको डालना है मैनुअली, लेकिन अगर आप पहले से ही पैसेंजर का डिटेल्स को सेव कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए पैसेंजर का डिटेल्स में साइड में ही चूज लिखा है, बस आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जितना भी पैसेंजर का नेम सेव रखे हैं आपके सामने आ जाएगा, बस आपको उसे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे बर्थ प्रेफरेंस अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं। इसके बाद सेव करेंगे तो देखिए एक पैसेंजर सेव हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको फिर से ऐड करना है तो ऐड चाइल्ड या फिर ऐड एडल्ट पर क्लिक करके पैसेंजर को एक एक करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने जो मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया था उसी मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको शो हो रहा है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। नीचे आपको एक ईमेल आईडी एंटर करना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको पे नो चार्जेस वन टिकट इज कैंसल्ड है, मतलब कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद जब भी इस टिकट को कैंसिल करेंगे तो आपका फुल अमाउंट आपके वॉलेट में आ जाएगा, मतलब कि आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ परसेंट चार्ज देना होता है। लेकिन अगर आप इसे अनचेक करेंगे नो आई डोंट वांट टू फ्री कैंसिलेशन पर क्लिक करेंगे तो अभी आपके अकाउंट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटा जाएगा, या फिर जब भी कैंसिल करेंगे तो जितना अमाउंट कटना था वो कटेगा ही। इसके बाद अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए तो यहाँ पर चेक करेंगे, नहीं तो अनचेक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट, इसके बाद आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं फोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास फैसिलिटी है उसको आप सेलेक्ट करके पेमेंट करेंगे। जैसे कि हमने फोन पे के जरिए पेमेंट कर चुके हैं, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं। इसके बाद डन करेंगे और हमारा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको अपना IRCTC का पासवर्ड को यहाँ पर डालना है, ये जो कैप्चा है यहाँ पर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा टिकट बुक हो चुका है, आपके मोबाइल नंबर में आ जाएगा आपका PNR स्टेटस। इसके बाद यहाँ पर डाउनलोड टिकट का एक ऑप्शन भी है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर डाउनलोड करके किसी को शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ पर PDF फाइल में ही डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैंसिल करने का, या फिर अगर आपको कैंसिल किया हुआ टिकट को TDR फाइल करना है तो TDR फाइल का भी आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। रनिंग स्टेटस चेक करना हो या फिर आपको शेड्यूल देखना होगा तो यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं शेड्यूल पूरा, कोच पोजीशन, सीट लेआउट, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो अभी जैसे कि अपना टिकट को अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए नीचे देखिए ट्रिप का एक ऑप्शन है, ट्रिप्स पर क्लिक करेंगे आपका टिकट आ जाएगा, बस इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे कैंसिल टिकट का पहले वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म टिकट वॉलेट है और रिफंड टू पेमेंट सोर्स है, आपको दो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। तो पहला वाला ऑप्शन अगर आप चूज़ करेंगे तो आपके इस वॉलेट में ही वो पैसा रिफंड हो जाएगा, लेकिन अगर आप रिफंड अपने अकाउंट में ही जहाँ से कटा था उस पर लेना चाहते हैं तो रिफंड टू पेमेंट सोर्स पर क्लिक करके प्रोसीड विद कैंसिलेशन पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे तो आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा। ट्रेन टिकट बुक करने के साथ साथ फ्लाइट बुक करना हो, PNR स्टेटस चेक करना हो, रनिंग स्टेटस देखना हो, बस टिकट बुक करना हो, कोई अदर ट्रेन रूट देखना होगा, सीट अवेलेबिलिटी चेक करना हो, ट्रेन का लाइव पोजीशन देखना हो, होटल बुक करना हो, ये सारे फैसिलिटी आपको कन्फर्म टिकट एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। तो अगर आपको भी ट्रेन टिकट बुक करना हो या फिर कोई भी टिकट बुक करना हो तो कन्फर्म टिकट एप्लीकेशन के जरिए आप आराम से फुल स्पीड नेटवर्क के साथ यहाँ पर टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि IRCTC में क्या होता है वहाँ पर ठीक टाइम जैसे आप टिकट बुक करना चाहते हैं उस टाइम बहुत ही स्लो हो जाता है, या फिर अगर आपको तत्काल टिकट भी बुक करना है तो 11 बजे इतना स्लो होता है कि आपका लॉगिन करते ही आपका लॉगआउट ही हो जाता है। सो अगर आपको कन्फर्म टिकट एप्लीकेशन यूज करना आ गया तो आप आराम से तत्काल टिकट, तो क्या अब हर तरह का टिकट आप यहां से बुक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक है, जाके फॉलो कर सकते हैं।